हाय गाइस, आज हम देखेंगे हमारा प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के, जो हमारा प्रीवियस ईयर का एग्जाम है उसे कवर करेंगे, जनरल इंग्लिश का पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। ठीक है, अगर कोई एरर है तो बताओ, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर चूज करो। कह रहा, आई हैव नो मॉनेटरी मोटिव्स टू हेल्पिंग यू। ठीक है भाई, हेल्पिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म थोड़ी ऑड लग रही है। अगर टू है तो टू के साथ मुझे यहाँ पे वी वन देना चाहिए, टू प्लस में वी वन। आई हैव नो मॉनेटरी मोटिव्स, तो मेरे पास मॉनेटरी मोटिव्स, मेरा कोई मॉनेटरी मोटिव्स नहीं है। किस चीज का है? कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो मेरा कोई मॉनेटरी मोटिव्स नहीं है। मॉनेटरी मोटिव्स का मतलब क्या होता है? मनी रिलेटेड, रिलेटेड टू मनी। ठीक है, कि वो उसकी कोई मदद कर रहा है तो उसमें कोई उसका मनी वाला कोई मोटिव नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे टू के साथ वी वन जाना चाहिए। ठीक है ना, टू हेल्प यू। आई हैव नो मॉनेटरी मोटिव्स टू हेल्प यू। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ही डाइव डैश द वॉटर। देखो, डाइव का मतलब क्या होता है? डाइव का मतलब होता है आपने क्या करा, डूबे, आपने डुबकी लगाई। ठीक है ना, तो आपने रिवर में, ही डाइव डैश द रिवर, तो आपने रिवर में क्या करा, डुबकी लगाई। तो क्या होना चाहिए, आप मोशन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप खड़े हो, यहां से आप यहाँ पर, ये रिवर है तो आप यहाँ पे कूदे हो। तो डाइव इन टू द वॉटर, इन टू हमेशा किस चीज के लिए यूज होता है? मोशन के लिए। इन पता ही आपको, ठीक है ना, मे इनका मतलब मे है, एट स्मॉलर प्लेसेस के लिए, एट एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, ठीक है ना, इन बिगर प्लेसेस के लिए, इन टू मोशन के लिए, अंडर किसी चीज के, जब आप अंडर हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वन मे अकम्पलिश मच थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट। देखो भाई, मच जो मुझे मालूम है कि जो मेरा मच है वो यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के साथ, और जो मेरा मैनी है वो यूज होता है किन के साथ, काउंटेबल चीजों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है ना, कुछ चीजों की बात में बात हो रही है, तो आप खुद देखो यहाँ पर मच तो आएगा नहीं। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो गलत हो गया। मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो ये मोस्ट जो है आपका, ये तो तब होता है ना, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे, तो मोस्ट आपका तब यूज होता है जब आपका कंपैरिजन हो, तो मोस्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं। एनी का मतलब है कि कोई भी। देखो वो कह रहा है थिंग्स, थिंग्स के लिए आपको क्या चाहिए, ये काउंटेबल है, थिंग्स के लिए आपको चाहिए यहाँ पे क्या, मैनी। वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग्स बाय अ लिटिल एफर्ट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आया था ही बोथ won a prize and a scholarship। आपको मालूम है both और and की pairing होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मगर देखो भाई, जो subject है और ये verb है, तो verb तो subject के साथ रहेगी ना, तो subject के बाद verb आती है, तो यही आपका error है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, he won both a prize and a scholarship। won both के साथ आना चाहिए, मतलब won he के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो he won both a prize and a scholarship, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस डेट एज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। ठीक है, कह रहा है द स्विमिंग इमर्स्ड फ्रॉम द वॉटर। देखो पहले आप मुझे एक बात बताओ, स्विमिंग एक जेरेंड हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या कोई स्पेसिफिक स्विमिंग की बात हो रही है? स्विमिंग भाई वो क्या है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे सिगरेट पीना ना आ रहा है ना, जिस चीज में पीछे ना आए तो आप ऐसा देख सकते हो, वो एक जेरंड है। जेरंड क्या होती है, जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह काम करे तो उसे जेरंड कहते हैं। ठीक है, क्या इंजूरियस है हेल्थ के लिए? स्विमिंग इंजूरियस है, एक जेरंड। तो क्या स्मोकिंग को भी मैं स्पेसिफिक बना सकता हूँ? स्पेसिफिक किसी चीज को डेफिनेट बनाने के लिए हम द लगाते हैं, तो स्मोकिंग तो पता है ना, सिगरेट पीना, तो स्पेसिफिक्स तो नहीं है यहाँ पे, तो वैसे स्विमिंग है। ठीक है, स्विमिंग करना, तो यहाँ पे द की जरूरत नहीं है, खाली स्विमिंग होना चाहिए, स्विमिंग इमर्स्ड फ्रॉम द वॉटर। नेक्स्ट देखिए, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस द टीचर वॉज प्लीज फ्रॉम द बॉयज वर्क। हमेशा आपको याद रखना है कि प्लीज के साथ क्या आता है, प्लीज के साथ प्रपोजिशन आता है विद, क्या होना चाहिए, प्लीज्ड विद। अ टीचर वॉज प्लीज्ड विद द बॉयज वर्क, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, प्लीज के साथ क्या आ गया, प्लीज के साथ विद आ गया, बस फिक्स प्रपोजिशन है ये। तो फिर कह रहा है इट वॉज हिज डैश चांस, इट वॉज हिज। अब वाइल का मतलब क्या होता है, वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल का मतलब जबकि। वन वंस का प्लूरल है, वन मतलब एक, वंस का मतलब ज्यादा। ठीक है, ये और वंस, ये वाला वंस पोजीशन के लिए होता है, अपोस्ट्रोफ वाला वो हटाओ। सच का मतलब है ऐसा,
ओनली का मतलब है केवल, इट वॉज हिज डैश चांस, वो उसकी एक केवल चांस थी, मतलब एक चांस के बारे में बोलते कि सिर्फ यही चांस थी, तो इट वॉज हिज ओनली चांस आना चाहिए, ये तो बैठ ही नहीं रहे, ठीक है, ये तो जाएगा ही नहीं आपका आंसर, तो ओनली आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, अ सेंटेंस हैज बी गिवन, यहाँ पे ब्लैंक भरना है, कह रहा द कैरिज डैश ऑन। अब देखो हम इसको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से देखो, ये जो एग्जाम है ना जूनियर असिस्टेंट जूनियर क्लर्क का, ये क्यों इजी है, 40 क्वेश्चन आएंगे मगर इजी क्यों, देखो आप ना ऑप्शन से ही काट सकते हो, मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करके दिखाऊंगा। देखो कह रहा द कैरिज डैश ऑन, द कैरिज डैश ऑन, अब देखो कैरिज है, पहला ऑप्शन देखो हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो मूव्ड होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, मूविंग आ रहा है तो इज एम आर वाज वर्ब कंटीन्यूअस में कुछ तो दिखेगा, हेल्पिंग वर्ब तो होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म आ रही तो हेल्पिंग वर्ब तो ये भी कट गया, ठीक है। अब द कैरिज तो सिंगुलर है, अगर मूव लिखता तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस होना चाहिए, तो ये भी कट गया, बचा क्या, मूव्ड बचा, तो कैरिज मूव्ड ऑन, मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो ये ऐसी चीजों को देख सकते हो। इधर देखो कह रहा है एनिमीज हैव डिफीटेड आर एनिमी, भाई एनिमीज प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो प्लूरल वो भी आएगी, तो इज तो आ नहीं सकता, ठीक है, वैसे हैज भी नहीं आ सकता। अब मैं बोलता द एनिमीज आर डिफीटेड आवर एनिमी, तो एनिमीज देखो अगर मैं बोलूंगा ना द एनिमीज आर डिफीटेड, ये हो ही नहीं पाएगा, मतलब चेंज होगा कि एनिमीज को डिफीट कर दिया, मतलब दुश्मन है उनको मार दिया, मैं बोलना चाहता हूं दुश्मनों ने आर्मी को मारा, आर्मी को हरा दिया, ठीक है ना, तो वो तो हैव वी थ्री से ही दिखेगा, एक्टिव वॉइस में दिखेगा, अब हैव इसलिए आया क्योंकि ये प्लूरल है तो हैज आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, हैव आएगा, आर मैंने आपको बता दिया पैसिव में जाएगा नहीं, एक्टिव वॉइस में रहेगा, द एनिमीज हैव डिफीटेड आवर आर्मी, मतलब दुश्मनों ने हमारी जो आर्मी है उनको हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो नो एरर हो गया इसका, आपका आंसर क्या, इसका आंसर हो गया आपका नो एरर। नेक्स्ट कह रहा सेंटेंस, फिर आपका इसमें क्या, आपको क्या बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। देखो द व्हील केम डैश, अब देखो द व्हील केम डाउन, नीचे आ गई नहीं, मे आ गया नहीं, ओवर बाहर नहीं, हम बोलना चाहते हैं जो व्हील है वो बाहर आ गया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ऑफ हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूं ये ऑफ बताता है बिलोंग, बिलोंगिंगनेस दिखाता है ये, जैसे मैं बोलू कार ऑफ राम, तो कार किसकी, राम की, ये ऑफ हमेशा दिखाता है क्या, सेपरेशन, कोई चीज किसी चीज से अलग हो गई, तो हम बोलना चाहते हैं द व्हील केम ऑफ, तो जो पहिया था वो बाहर आ गया, पहिया सेपरेट होकर बाहर आ गया, तो आपका ऑफ आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द लेजेंड टेल अस, देखो यार लेजेंड तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे टेल की जगह टेल्स होना चाहिए था, डेलन विल टेलिंग बोल रहा, बताएगा, बोल रहा होगा, गलत, द लेजेंड टेलिंग तो आ ही नहीं सकता, वो इज एम आर या वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से ये भी कट गया, तो लेजेंड टेल्स हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट है क्या आपका, नेक्स्ट बोल रहा आई हैव नॉट स्लेप्ट डैश यस्टरडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस आता है, फॉर आता है, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कितनी बार मैंने बता दिया है, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आई हैव नॉट स्लेप्ट डैश यस्टरडे, मैं कब से नहीं सोया, ठीक है, मैं जो बीता हुआ कल है मैं तब से नहीं सोया, ठीक है ना, सिंस यस्टरडे, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है आपका। नेक्स्ट देखते डैश डैट डे आई हैव नॉट सीन हर, तब से उस दिन से मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, उस दिन से मैंने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, तो भाई फिर आपका पॉइंट बताने के लिए क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए आप सिंस का यूज करते हो, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया सिंस। अब देखो सिंस डैट डे आई हैव नॉट सीन हर, तब से मतलब उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा है, फ्रॉम का यूज नहीं होता, फ्रॉम का यूज अगर आपको करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो आप फ्यूचर टेंस में कर सकते हो, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना, और स्टिल का मतलब क्या होता है, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो आपका आंसर क्या सिंस हो गया। हर चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, जितना हो सकेगा मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट फाइंड डैश वे आउट ऑफ इट, वेल का मतलब क्या है, वेल का मतलब है अच्छी तरह, अप का मतलब है ऊपर, स्टिल का मतलब क्या है, स्टिल का मतलब है फिर भी, तो वी मस्ट फाइंड स्टिल वे आउट, फिर भी गलत,
वी मस्ट फाइंड आउट वेल अच्छी तरह से गलत भाई हम चाह बोलना चाहते हैं वी मस्ट फाइंड डैश वे आउट ऑफ इट कुछ कुछ तो वे निकले ठीक है भाई कोई तो रास्ता निकले तो कुछ वी मस्ट फाइंड आउट सम वे आउट ऑफ इट इससे हम कुछ तो रास्ता निकाल सके सम वे आउट ऑफ इट यहाँ पर करेक्ट हो गया। ये बहुत आसान पेपर है जो मैं आपको करा रहा हूं मतलब ये लेटेस्ट एग्जाम है वो दिख ही रहा है आप लोगों को और ये बहुत ही इजी है जो हम मैंने अपना प्रैक्टिस बैच करा रहा हूँ वो भी चल रहा है तो उसका लेवल मैंने ऊपर रख रखा है इससे ठीक है तो आप वो भी प्रैक्टिस करो अच्छे से देखो। ऑल डिजायर वेल्थ ऑल्सो सम एक्वायर इट ऑल डिजायर देखो ये आपका पेपर का क्वेश्चन है ठीक है कि ब्रैकेट वाले को देखना तो कह रहा ऑल डिजायर वेल्थ ऑल्सो सम एक्वायर इट मतलब मुझे तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा इसका बोलना क्या चाह रहा है कि हर कोई डिजायर करता है अमीर होना वेल्थ होना पैसा होना ऑल्सो भी कुछ लोग ले लेते हैं सम एक्वायर इट कुछ लोग पा लेते हैं भी ये ऑल्सो तो बिल्कुल गलत है वो ये बोलना चाहता है कि कुछ लोग डिजायर करते हैं कुछ लोग इच्छा रखते हैं बहुत ज्यादा पैसे की अमीर होने की और कुछ लोग और कुछ लोग क्या होता है एंड आएगा यहाँ पर और कुछ लोग उसे पा लेते हैं एंड सम एक्वायर इट ठीक है तो ऑल डिजायर वेल्थ एंड सम एक्वायर इट इवन तो आएगा ही नहीं बिल्कुल गलत है इवन का मतलब क्या है ठीक है इवन का मतलब है यहां तक कि इवन दिस इवन दो ठीक है सो का मतलब है इतना बहुत ये तो आएंगे नहीं एंड आपका आंसर हो गया। कह रहा द पाथ लीड्स डैश द वुड्स देखो भाई इनटू द वुड्स एक आपका फ्रेज है पता होना चाहिए आपको बस कहानी खत्म। इनटू द वुड्स का मतलब होता है फ्ली मतलब भाग जाना ठीक है तो इनटू द वुड्स द पाथ लीड इनटू द वुड्स आपका करेक्ट है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज नो एरर इन इट इफ देयर इज नो एरर ठीक है कह रहा लेट लेट के बाद आपका क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है बिल्कुल सही है लेट अस सही है प्रोसीड के साथ हमेशा विद का यूज होता है बिल्कुल सही है लेट अस प्रोसीड विद द वर्क वर्क एक अनकाउंटेबल है बट अनकाउंटेबल के साथ भी द आ सकता है अगर आप किसी चीज को बताना चाह रहे हो दबाव देना चाह रहे हो तो यहाँ पर नो एरर दिख रहा है नो एरर करेक्ट स्पेलिंग बतानी है बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग तो मिडीवल गलत वल गलत ए एल ये ए एल सही लग रहा है तो एंड स्पेलिंग क्या आपकी सही एम ई डी आई ई वी ए एल मिडीवल। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड वाइस वाइस का मतलब होता है कोई भी चीज क्या है बहुत ज्यादा इमोरल है इमोरल रिलेटेड टू सेक्स बहुत ही ज्यादा बेकार ठीक है इमोरल घटिया ठीक है ना वर्चू इसका अपोजिट क्या होता है वर्चू वर्चू का मतलब क्या होता है वर्चू का मतलब होता है मोरल नैतिक वाली चीजें नैतिकता वाली चीजें ठीक है। सिक का मतलब बीमार सिक का मतलब क्या होगा सिक का मतलब होता है आपका बीमार ऐसा बोलते हो ना आई एम सिक टूडे मैं बीमार हूं ठीक है ना तो इसको आप बोल सकते हो सिक का मतलब क्या हो गया बीमार हो गया और इसका मतलब क्या होता है ब्लेमिश का मतलब होता है दाग धब्बा ठीक है ना मार्क दाग धब्बा जो आपका क्या करे स्पॉइल करे चेहरा स्पॉइल कर दे आपकी रेपुटेशन स्पॉइल कर दे ऐसा धब्बा ऐसा दाग उसे ब्लेमिश कहते हैं। फ्लॉ का मतलब क्या फ्लॉ का मतलब होता है कोई भी आपका दोष ध्यान रखना। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स ये तो आपको पता ही होगा जो बीत गया वो बीत गया भूल जाओ उस चीजों को तो आंसर क्या होगा टू फॉरगिव एंड फॉरगेट जो बीती बातों को भूल जाओ जो भूल गया जो हो गया छोड़ो। Choose the word that means the same as the given word. Same word बताना similar. Vain का मतलब होता है decrease होना decline होना कम होना number में कम होना increase कट गया stable हट गया rise भी हट गया rise मतलब होता है बढ़ना decline मतलब कम होना decline आपका answer हो गया। Next क्या फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना आपने मेंटेनेंस मेंटेनेंस की स्पेलिंग होती है एम ए आई एन मेन टेनेंस लगा दो बस मेंटेनेंस ई आता है यहाँ पर ई ये तो कट गया ये भी कट गया ई आता है मेंटेनेंस। नेक्स्ट है आपका ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है ब्लैक शिप वो होता है जैसे आपकी पूरी फैमिली के लिए आप धब्बे का रोल अदा करो ठीक है पूरी फैमिली के लिए अपमान जनित आपने कोई ऐसी बात कर दी कि सब लोग आपको क्या देख रहे हैं कि भाई यही लड़का है यही है अपमान का कारण ठीक है यही क्या है यही है अपमान का कारण तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखो अनडिजायरेबल कंपनी गलत
कि अनडिजायरेबल कंपनी तो बिगड़ गई, इमिनेंट डेंजर तुरंत डेंजर गलत, अब्यूज का कारण बन जाएगा, ये तो यूजलेस सर्च था, ये भी गलत है, थोड़ा स्क्रीन नीचे हो गई ज्यादा। अब्यूज का कारण मतलब आप क्या हो गए हो, आप बिल्कुल अब्यूज, मतलब लोग आपको गालियां दे रहे हैं, लोग आपको स्कोल्ड कर रहे हैं, अपमान का कारण, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया अब्यूज। नेक्स्ट देखो, टू टेक वंस हैट ऑफ का मतलब होता है, अब देखो ये एक बंदा खड़ा है, ये एक बंदा खड़ा है, इस बंदे ने अपनी टोपी उतार के, ऐसे टोपी हटाकर, एक हैट है इसको हटाकर यू करा, तो ये बंदा इसको क्या कर रहा है, ये बंदा इसको गाली नहीं दे रहा, इसे इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, टू प्रेस समवन। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, फिट टू बी ईटन, जो चीज क्या हो बिल्कुल फिट हो खाने के लिए, बिल्कुल रेडी टू ईट हो, फिट हो, तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो एडिबल, क्या बोलते हो, खाने के योग्य एडिबल। इनएडिबल क्या होता है, इनएडिबल होता है खाने के योग्य जो चीज क्या हो, ना हो, इनएडिबल, तो ये तो आपका नहीं होगा। इनएडिबल मतलब, इनएडिबल का मतलब होता है नॉट फिट टू बी ईटन। ड्राउन का मतलब क्या होता है, ड्राउन, डी आर ए डब्ल्यू एन, ड्राउन का मतलब होता है बीमार दिखना, टायर्ड दिखना, लुकिंग इल और टायर्ड। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नाजुक, जो टूट जाए, ठीक है। तो आपका आंसर आपको पता लग गया होगा, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका एडिबल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। लाइसेंस की स्पेलिंग क्या होती है बताओ, इनमें से कोई बताओ, लाइसेंस की स्पेलिंग क्या, लाइसेंस की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है। चलो वैसे तो दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो ये वाला करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट मींस द सेम एज द गिवन वर्ड, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब क्या होता है, प्लेसिड का मतलब आपका होता है कि, देखो सिंपल है, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, कोई चीज क्या है बिल्कुल शांत हो, ठीक है, कोई चीज आपको शांत दिख रही है उसको प्लेसिड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसिड वर्ड दैट मींस द सेम, सिनोनिम बताना है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी, शांति, बिल्कुल शांत। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंट का मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसएग्रीमेंट, किसी चीज में इतना ज्यादा चेंज होना, लॉट्स ऑफ चेंज, जो क्या करे डिसऑर्डर खड़ा कर दे, डिसएग्रीमेंट कर दे। लाउड मतलब ऊंचा, ठीक है। जैजी मतलब क्या होता है, जैजी भी आपका बहुत आसान वर्ड है। जैजी का मतलब क्या होता है, आप क्या हो किसी चीज को ऐसा बोल सकते हो, बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, टू ब्राइट, बहुत ही ज्यादा कलरफुल। टर्बुलेंट का मतलब क्या है, डिसऑर्डर, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट क्या, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, ठीक है। वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम, जिसपे आप जीत ना कर सको, ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम, जिसे हरा ना सको, जिसपे जीत ना कर सको, तो उसे क्या बोलते हैं, इनविंसिबल, अपराज्य, ठीक है, जिसको हरा नहीं सकता कोई, तो इनविंसिबल आपका आंसर हो गया। इलेजिबल मतलब जिसे पढ़ ना सको, इम्पॉसिबल टू रीड, इम्पॉसिबल टू रीड। इनऑडिबल, इतना कम कि आपको सुनाई नहीं दे रहा, नॉट इनफ, नॉट इनफ टू बी हर्ट, इतना कम कि आपको सुनाई नहीं दे रहा। इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है अनफॉरगेटेबल, जिसे भूला ना जा सके, अनफॉरगेटेबल, जिसे भूला ना जा सके, अनफॉरगेटेबल। आपका आंसर क्या चला जाएगा, इनविंसिबल इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड इट मींस द सेम, सेम वर्ड बताना। क्रेव मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना, तीव्र इच्छा होना, डिजायर होना, लालसा होना किसी चीज की, तो उसे बोलते हैं यर्न, यर्न उसका आंसर होगा, ठीक है ना। क्रेव, जैसे छोटा बच्चा क्रेव करता है, यर्न करता है, ठीक है ना, चीजों के लिए। प्लेट का मतलब होता है निवेदन करना, किसी चीज के लिए निवेदन करना। विस्पर मतलब चुपचाप फुसफुसाना, फुसफुसाना, ठीक है। कंट्रोल का मतलब आपको पता ही है, यन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट हो। सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट होना, किस चीज से रिलेटेड है। सेक्रेट का मतलब होता है, असली मतलब है इसका, रिलेटेड टू रिलीजन, पवित्रता होना, पवित्र। इसका उल्टा होता है प्रोफेन, प्रोफेन आपका आंसर होगा, इसका मतलब होगा अपवित्र, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है ना। डिवाइन का मतलब क्या है, सिंपल है, डिवाइन का मतलब है दिव्य, डिवाइन का मतलब दिव्य। तो यहां पे रिवर्स नहीं था,
ई हटा हुआ है, रेवर्ड लिखा हुआ है। रेवर्ड एक वर्ड है, देख लो आप लोग, आर ई वी ई आर ई डी, रेवर्ड। ये जो वर्ड होता है ना, आर ई वी ई आर ई, रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट। वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज, वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज, जो दूसरों को सर्विस देता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वॉलंटियर। सेक्रेटरी आपको मालूम होता है, जो ऑफिस होता है उसकी एक सेक्रेटरी होती है, कोई भी सेक्रेटरी का काम करता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वर्जन आपको पता ही है, नौकर आपको पता ही है। जो अपनी ऑफ सर्विस देता है उसे क्या बोलते हैं, वॉलंटियर देता है। कहते हैं ना यहाँ पे सर्विस की जरूरत है, तो कोई जैसे कोई ऑफिस है तो बोलेंगे इस पार्टिसिपेशन के लिए कौन कौन वॉलंटियर करेगा, कौन कौन अपनी सर्विस देगा, तो उसे वॉलंटियर कहते हैं। वॉलंटियर आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चंस थे कुछ हमारे, ठीक है, तो हमने वो कवर करे, और कुछ इसके आगे और भी क्वेश्चंस हैं, कुछ हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं 10-15 क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो मैं क्या करूंगा अगली स्लाइड में कवर करूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे इस वाले पार्ट को। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो बीच में एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं मैं आपको, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, ठीक है, जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको हमारी ऐप, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखोगे विनय कक्षा, VINAYKAKSHA, तो ऐसे हमारी ऐप है, या मेरी छोटी सी फोटो लगी आप देख सकते हो। तो आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या होगा, आपको एक कोर्स दिखाई देगा, ठीक है, ये कोर्स दिखाई देगा जिसकी फीस मैंने 1400 करी थी, बाद में मैंने इसकी फीस आप लोगों के लिए हटा के 499 कर दी। इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब प्लस में डाउट का कोर्स है। मैं आपको इस कोर्स की डिटेल बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर SSC की तैयारी कर रहा है, CDS की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, CPO की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो ये कोर्स ले सकता है। 499 का पूरी इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब का कोर्स रहेगा जो मेरे द्वारा बनाया गया। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेस से मैंने एडवांस तक बताया है इसमें। दूसरा ध्यान रखना यहाँ पे ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की, जब आप ये लेंगे अगर आप 6 मंथ्स तक के कोर्स को कर लेते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते बाई चांस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारे एक इस नंबर पे 9289609096 पे मैसेज कर सकते हो और हम आपकी इस वैलिडिटी को बढ़ा के 1 साल के लिए भी कर देंगे। तो मतलब आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं, पहले बात तो सारा ग्रामर पोर्शन रहेगा, KVA CVA सारे पेपरों के लिए, ठीक है, आपको 499 रुपीज में, मतलब मात्र 500 रुपए में 499 में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज पूरी ग्रामर मिल रही है, पूरी ग्रामर मिल रही है जो कि मैंने बनाया, ठीक है ना, मैंने बनाया बहुत अच्छे से भाई, आपकी प्लिन टू पैरामाउंट खत्म हो जाएगी अगर आपने ये पढ़ लिया तो, मिरर ऑफ कॉमन एरर भी खत्म हो जाएगी, SP बख्शी भी खत्म हो जाएगी, मैंने बेसिक से एडवांस तक समझा रखा है इस तरीके से, ठीक है, पूरा मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरा आपको पूरी वोकैब मिलेगी, लाइक जो भी कहां से करना है पूरी सारी चीजें मिलेंगी, वोकैब मिलेंगी। तीसरी चीज आपको पूरी मेरे से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, गाइडेंस कैसे मिलेगी, आपको डेली टास्क मिलेंगे, वीकली टास्क मिलेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो संडे टू संडे सिर्फ 500 रुपए में, ठीक है। और चौथी चीज क्या मिलेगी, देखो चौथी चीज आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग, जो कि कोई नहीं दे रहा जहां तक मैं जानता हूं, कोई नहीं दे रहा डाउट सॉल्विंग। आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है, जो पेड लेगा उसे, और वो कहीं से भी, चाहे किरण से हो, पिनाकल से हो, किसी भी बुक में से आप अपने डाउट भेज सकते हो, और मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको उस डाउट का बताऊंगा, आंसर बताऊंगा वॉइस टेक्स्ट के थ्रू, पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी फ्री होने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, 24 आवर, वो हमारी हेडेक है, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भैया बच्चे अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़े, ठीक है। आपको पता है मैं ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करता अपनी चीजों का, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक एक दो दो घंटे की वीडियो में मैं थोड़ा सा ही बोलता हूँ। और देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, विनय कक्षा, VINAYKAKSHA टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये सारा कोर्स था, इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, सब कुछ है। कुछ वीडियोज अभी इसमें और डाल रहा हूं मैं अभी, ठीक है, तो आपका ग्रामर का फुल फ्लेज हो जाएगा, वोकैब तो मैंने लगभग सारी करा दी है, तो आप पूरी की पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।